हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोमलेशिया के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑस्टियोमलेशिया बीमारी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, साथ ही आपको बताएंगे इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया जिसमें होता क्या है कि हमारे जो बोन्स हैं उनकी सॉफ्टनिंग होने लग जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को ही हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अगर ये बीमारी एडल्टहुड में हो रही है तो उसको हम टर्म देते हैं ऑस्टियोमलेशिया, और यही बीमारी अगर आपको बच्चों में देखने को मिल रही है तो इसको हम देते हैं नाम रिकेट्स। यानी कि इस बीमारी को अगर चाइल्डहुड में ये हो रही है तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं, और अगर एडल्टहुड में ये हो रही है तो इसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है उसको हार्ड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारी हड्डियों को सख्त रखने का जो काम करता है वो कैल्शियम करता है। पर विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम हमारी बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो विटामिन डी की कमी की वजह से और कैल्शियम या तो फिर हमारी बॉडी में कम हो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, या फोस्फेट्स के अमाउंट भी कम हो तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोमलेशिया आपकी बॉडी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों, ब्लड के अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट डॉक्टर लैब इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका कैल्शियम लेवल, विटामिन डी का टेस्ट और फॉस्फेट्स का टेस्ट आपका करवाया जाता है। अगर लो अमाउंट में ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं तो ये माना जाता है, ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपको ऑस्टियोमलेशिया बीमारी हो सकती है। साथ ही एक्सरे और सिटी स्कैन के माध्यम से भी डॉक्टर्स ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो बोन्स है वो सॉफ्टन्स हुई है या नहीं हुई। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट्स के सप्लीमेंट्स आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी जो सॉफ्टन्स बोन्स हैं उनको सख्त बनाया जा सके, उनको हार्ड किया जा सके। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ऑस्टियोमलेशिया बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको सिंप्लीफाइड वो में समझाया कि ऑस्टियोमलेशिया बीमारी क्या होती है और ये किस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।